हेलो फ्रेंड्स, लोन के चंगुल से निकलना आसान नहीं होता है, क्योंकि SDFC पर्सनल लोन प्री क्लोजर के पहले वाले वीडियो में काफ़ी लोगों के कुछ डाउट्स थे जो उन्होंने कमेंट्स के माध्यम से व्यक्त किए। तो आज इस वीडियो में उन डाउट्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और एकदम आसान भाषा में प्रोसीजर समझेंगे। पार्ट वन वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके देख सकते हो, उसमें प्री क्लोजर की पूरी प्रोसेस समझाई हुई है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। SDFC बैंक पर्सनल लोन प्री क्लोजर और फोर क्लोजर के कुछ बेसिक से टर्म्स एंड कंडीशन है जो इस प्रकार हैं। अगर आप ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू लोन क्लोज करवा रहे हो तो पेमेंट हमें चेक से ही करना होगा और जिस अकाउंट में लोन का पेमेंट क्रेडिट हुआ था उसी के चेक से पेमेंट मान्य होगा। और अगर आप ऑनलाइन लोन क्लोज करवाना चाहते हो तो आप इन SDFC कस्टमर केयर पे कॉल करके आप प्रोसीजर करवा सकते हो, या फिर आपका जो लोन एजेंट है उससे भी आप संपर्क करके लोन क्लोज की प्रोसीजर आगे बढ़वा सकते हो। अभी मेन चीज है पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट, कि आपको या तो पार्ट पेमेंट करना है या फुल पेमेंट करना है, दो ही ऑप्शन है। पर्सनल लोन में ही आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के ऑप्शन से पहले अपन एक चीज देख लेते हैं कि जो इसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होती है वो क्या होता है। फुल लोन अमाउंट में से EMI पे होने के बाद जो अमाउंट बचती है उसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहते हैं। मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया है और उसमें से 50,000 की आपने किस्तें जमा करवा दी, तो जो 50,000 बचे हैं वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहलाती है। अगर आप पार्ट पेमेंट करने के लिए इच्छुक हैं तो इससे पहले आप ये देख लें, मान लो आपकी 50,000 जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें से भी आप 10-20,000 जमा करवा रहे हो, उसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट। तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि पार्ट पेमेंट आप कैसे करवा सकते हो। तो उसके सबसे फर्स्ट है, पार्ट पेमेंट आप फर्स्ट EMI के बाद कभी भी करवा सकते हो। जो आप पार्ट पेमेंट करवा रहे हो उसमें यही बेनिफिट है कि आप फर्स्ट EMI कटने के बाद आपकी चाहे कितनी भी EMI कटे आप उसमें करवा सकते हो। तो इसमें सेकंड चीज़ है कि जो पार्ट पेमेंट है वो केवल और केवल 25% से ज़्यादा नहीं करवा सकते। मिनिमम आपका मान लो 1,00,000 रुपये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो उसमें से आप 25% मतलब 25,000 तक आप पे कर सकते हो। थर्ड है कि 1 साल में आप एक बार ही पार्ट पेमेंट कर सकते हो, ये बात भी है कि आप 1 साल में केवल एक बार ही पार्ट पेमेंट कर सकते हो। फोर्थ है कि पूरे लोन टेन्योर में केवल 2 बार ही पार्ट पेमेंट कर सकते हो। ये चीज़ कुछ पार्ट पेमेंट के लिए लागू होती है कि आप जो पार्ट पेमेंट, ये नहीं कि आप बार बार करते ही रहो। आपका चाहे 10 साल का टेन्योर है चाहे 5 साल का हो, उसमें आप केवल 2 बार ही कर सकते हो और एक फाइनेंशियल ईयर में केवल 1 बार कर सकते हो, और वो भी मैक्सिमम 25% तक। ये नहीं कि आप 50% कर रहे हो, 75% नहीं, केवल 25%। और इसमें भी 25% कर रहे हो उसमें भी कुछ चार्जेस लगेंगे। तो वो 3 प्रकार के चार्जेस होते हैं, GST भी लगती है उस पर, इंटरेस्ट भी लगता है पर डे के हिसाब से, और लास्ट है प्री क्लोजर चार्ज। तो ये तीनों चार्जेस दोनों में सेम है, बस प्री क्लोजिंग चार्ज में यह है कि आप फुल पेमेंट कर रहे हो और पार्ट पेमेंट कर रहे हो उसमें थोड़ा सा अंतर है कि पार्ट पेमेंट आप फर्स्ट EMI के बाद कर सकते हो, लेकिन फुल पेमेंट आप 12 EMI कटने के बाद ही कर सकते हो। कि अगर आपको फुल पेमेंट करना है, लोन क्लोज करवाना है पूरा कंप्लीट, तो आपको कम से कम 12 EMI पे करने के बाद ही हो। तो इसमें बस यही है कि जो प्री क्लोजिंग चार्ज होते हैं वो पार्ट पेमेंट में फर्स्ट EMI से लेकर 24th EMI तक 4% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट देना पड़ेगा। मान लो आपकी जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1,00,000 रुपये बची हुई है, तो उसका अगर आप 24 EMI से पहले आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब 2 साल से पहले ही आप फुल पेमेंट कर रहे हो, तो 1,00,000 का 4% मतलब 4,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा 1,04,000 पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका लोन क्लोज होगा। और 24 EMI से लेकर 36 EMI तक अगर आप फुल पेमेंट कर रहे हो या पार्ट पेमेंट कर रहे हो तो 3% देना है, और 36 EMI के बाद आप चाहे 10 साल तक हो, 15 साल तक हो, चाहे 4 साल कितना भी हो, 2% लगेगा जितनी आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका। तो ये सबसे पहले ये कैलकुलेट टोटल ओवरऑल कैसे कैलकुलेट होता है कि जैसे मान लो आपका 1,00,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट बची हुई है, तो उस पर सबसे पहले तो प्री क्लोजिंग चार्ज, तो मान लो कि आपने 12 EMI पे करने के बाद 13 पे करवाया हो, 14 पे करवाया हो, तो 4% ये, तो 1,04,000 हो गया। और उसमें पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा कि जैसे आपकी EMI 1 तारीख को कटती है, तो आपने EMI तो कटवा दी पर आपके पास 2 तारीख को इतने पैसे आ गए कि मैं फुल पेमेंट कर देता हूँ, तो वो एक दिन भी अगर आपने बैंक का पैसा रखा है तो बैंक वो एक दिन का भी ब्याज लेगा, तो वो इंटरेस्ट ऐड होता है। और थर्ड, ये दोनों चीज़ें ऐड होने के बाद जीएसटी मैंने अभी 2023 में रिसेंट में क्लोज करवाया, तो मेरा 0.72% GST ऐड हुई है। ये बैंक अपने हिसाब से लेता है, पता नहीं कैसे 0.72%। मेरे तो ऐसे टोटल 3 टैक्स या ये जो टोटल 3 टाइप्स के जो चार्जेस लग के अपन टोटल पेमेंट करते हैं। अभी देखते हैं फुल पेमेंट। फुल पेमेंट क्या है? फुल पेमेंट है कि जितनी अपनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बची हुई है वो अपने को पूरी क्लोज करना है लोन, तो अपने को पूरा जमा करना पड़ेगा। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है, अगर आपको फुल पैसा जितनी बकाया राशि है जमा करवानी है तो कम से कम 12 EMI पे करने के बाद ही फुल पेमेंट कर सकते हो। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, इसमें भी प्री क्लोजिंग चार्ज, GST, इंटरेस्ट वगैरह वो सब देने होंगे। अभी देखते हैं कि दोनों में चार्जेस क्या क्या लगते हैं। टोटल 3 टाइप्स के चार्जेस लगते हैं, वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेम है, वही इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से, वही GST और वही प्री क्लोजिंग चार्ज। फुल पेमेंट में प्री क्लोजिंग चार्ज होते हैं 12 EMI पे करने के बाद से,
तो 12 से 24 तक वही 4%, 24 से 36 तक 3%, और 36 से 2%, ऐसे होता है। और इसमें अभी काफी लोगों के डाउट होंगे कि सर ये 24 से वो 4% लगेगा या 3%। तो देखो 24th EMI अगर आपकी कट चुकी है या वो कटने से पहले आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे 23 के बाद में कर रहे हो, तो आपकी 4% लगेगा। लेकिन 24 कट चुकी, 24th आपकी EMI कट गई उसके बाद आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे 25 से पहले ही कर रहे हो, तो आपके 3% ही लगेगा। ये चीज काफी लोगों के डाउट है जो कमेंट में पूछे हुए थे, वो मैंने इस प्रकार से आपको समझा दिया है। ये तीनों चार्जेस लगा के ही आप पेमेंट कर सकते हो, इस प्रकार आपका लोन क्लोज हो जाएगा। और उससे पहले, वीडियो क्लोज करने से पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दूं कि बैंक से आपको नो ड्यूज और NOC जरूर लेनी है लोन क्लोज के बाद। ये दो चीजें आपको, और बैंक में जाके या कैसे भी आपको वो वेरीफाई करना है कि मेरा लोन क्लोज हुआ है कि नहीं। ये नहीं आपका लोन क्लोज नहीं हुआ हो किसी वजह से और आप EMI भी ना पे कर सकें, तो वो आप एक बार क्लियर करें। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को किसी दूसरे जिसको ज़रूरत है उसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।